बहुत सही कहा, जो दादा ईश्वरदास रोहिणी जी थे वास्तव में विकास पुरुष थे, हम जो एक्सेप्ट करते हैं। पर उनके देहांत के बाद उनके जो बेटे को अनुपमा नियुक्ति मिली और उन्होंने समझ नहीं पाया, आज 10 साल में उनको क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं होगा, किसी क्षेत्र में नहीं, विकास के काम नहीं गए, पानी की समस्या से पूरा कैंट जूझ रहा है, रोजगार युवा रोजगार से घूम रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं अशोक रोहिणे जी को अपनी धरती को खसकती नजर आ रही। जब क्यों जीत रही है, यहाँ की जो मतदाता है कैंट विधानसभा के बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने बार बार रोहाणी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को जिताने का जो 30 साल से काम किया है वो इसलिए इस अपेक्षा के कारण जिताने का किया है कि हम एक व्यक्ति को जिताएंगे तो निश्चित रूप से वो जब ऊपर जाएगा तो हमें भी ऊपर ले जाएगा। की बात तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि कैंट विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहाँ पे खमरिया फैक्ट्री, OFK, GCF, GIF, COD, 506 आर्मी वर्कशॉप, 4 यूनिवर्सिटी और 15 कॉलेज हैं। जितनी रोजगार देने की क्षमता इस विधानसभा में है, यहाँ पे रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म किए गए। जब से मोदी सरकार आई इनका प्राइवेटीकरण किया गया, यहाँ से लाखों लोगों का रोजगार छीन दिया गया। नमस्कार, मैं धीरज कुमार शाह MP तक की चौपाल में आज जबलपुर कैंट पे आपका स्वागत करता हूँ। जबलपुर कैंट विधानसभा के बारे में बता दूं कि 30 सालों से यहाँ ईश्वरदास रोहाणी परिवार के लोग ही यहाँ के विधायक हैं और यहाँ पर जो बोला गया है महाकौशल से सबसे अच्छी विजयी सीट रही है तो जबलपुर कैंट विधानसभा है। इतनी पावरफुल सीट BJP के लिए और कहीं नहीं है। तो आइए जनता से बात करते हैं, जनता से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। पहले हम कांग्रेस के पास चलेंगे कि 30 सालों से रोहाणी परिवार का यहाँ कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस विजय नहीं हासिल कर पा रही। नहीं, आपने बहुत सही कहा, जो दादा ईश्वरदास रोहिणी जी थे वास्तव में विकास पुरुष थे, हम जो एक्सेप्ट करते हैं। पर उनके देहांत के बाद उनके जो बेटे को अनुपमा नियुक्ति मिली और उन्होंने समझ नहीं पाया, आज 10 साल में उनको क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं होगा, किसी क्षेत्र में नहीं, विकास के काम नहीं गए, पानी की समस्या से पूरा कैंट जूझ रहा है, रोजगार युवा रोजगार से घूम रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं अशोक रोहिणे जी को अपनी धरती को खसकती नजर आ रही, जब ही वो चौराहे चौराहे में पन्नी और साड़ियां बांटना चालू कर दिए हैं। इससे साफ स्पष्ट नजर आता है कि कोई व्यक्ति रोजगार के नाम पे वोट मिलता है, कोई विकास के नाम पे मिलता है, उन्होंने ऐसे रोजगार और विकास का काम कुछ नहीं किया। अब उनको बंगले से निकल के जो गली गली के चौराहे चौराहे पे वहां पर 40-45 रुपए की महिलाओं को देने में उनको शर्म नहीं आ रही है। उनके कार्यकर्ता पर्ची बांटते हैं, 50 रुपए तो उनका किराया लग जाता है साड़ी लाने में। और उनको साड़ी से पूछो कि वो साड़ी वो पहनती है। इनका कहना है कि ईश्वरदास रोहिणी तो विकास पुरुष थे पर अशोक रोहिणी जी ने उतना काम नहीं किया। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जब बोला है कि अशोक रोहिणी जी उतना अच्छा नहीं। मेरे भाई अमरचंद बावरिया जी, एक भाई अगर रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा और अपनी बहनों को गिफ्ट में उपहार दे रहा तो इनको ये चिंदी दिखती, उसकी कीमत नहीं देखी जाती। हमारे गरीब बच्चे अध्ययन के जो अच्छा करना चाहते हैं उनको अगर कॉपी और बस्ते की मदद करके वो अच्छा भविष्य अपना लेके आगे बढ़े तो इनके भाव नहीं समझ सकते। किसी घर में जब पानी गिरता है अंदर और माँ अपने बच्चों को गोद में सुलाती है, उससे पूछना जाके कि एक त्रिपाल की कितनी कीमत है, उस त्रिपाल की कितनी कीमत है, सीट भी बांटेंगे। आपकी बात को मानता हूँ पर ये विधानसभा की चौपाल है, विधानसभा की चौपाल में क्षेत्र के विकास के लिए क्या बोलेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या हुआ है क्षेत्र का विकास, क्यों जीत रही है BJP यहाँ? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, BJP क्यों जीत रही है। यहाँ की जो मतदाता है कैंट विधानसभा के बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने बार बार रोहाणी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को जिताने का जो 30 साल से काम किया है वो इसलिए इस अपेक्षा के कारण जिताने का किया है कि हम एक व्यक्ति को जिताएंगे तो निश्चित रूप से वो जब ऊपर जाएगा तो हमें भी ऊपर ले जाएगा। लेकिन जनता को 30 साल से छलावा के अलावा और कुछ नहीं मिला है। 30 साल से जनता का विकास नहीं हुआ है,
माननीय सांसद जी का विकास हुआ है, माननीय विधायक जी का विकास हुआ है और इनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। जैसे माननीय हमारे ये अध्यक्ष जी खड़े हैं, कहना है कि छलावा हुआ है, आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर छलावा तो कुछ हुआ नहीं है, पर जो रात में अंधा होता है उसको सब कुछ काला काला ही दिखता है। कैंट विधानसभा के अंदर अगर मैं कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर अपनी बहन से राखी बंधवाते तो कुछ तोहफा देते हो कि नहीं देते हो? अब ये आपकी खुशकिस्मत, विधायक जी की खुशकिस्मत यह है कि उनको 20,000 बहनें राखी बांधती हैं और कोई पर्ची का सिस्टम नहीं होता है। 20,000 राखी बांधती है तो एक भाई के नाते वो उनको साड़ी या जो भी है गिफ्ट देते हैं, और इनके भाव नहीं है ऐसे, ना इनके संस्कार है जो इस परिवार को समझ पाएंगे। दादा रोहाणी जी ने कैंट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बनाया था, उस परिवार को बिल्कुल परिवार के रूप में विधायक जी लेके चल रहे हैं। और रही बात छलावा की, छलावा होता तो 10 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी पूरी कैंट विधानसभा के अंदर कांग्रेस को वॉकआउट कर दी, पूरे पार्षद कांग्रेस के जीते, तो लगातार जनता का विश्वास खून पसीना बहाकर बनाया है, त्याग तपस्या करके बनाई। इस दादा रोहाणी जी ने अपनी जान तक इस जनता के लिए दे दी और माननीय विधायक जी भी लगातार अपना घर परिवार छोड़कर, मैं आपको बता दूं यहाँ ऐसा कोई कांग्रेस के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता कि कोरोना काल में उनकी पत्नी कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में पड़ी हो और वो जाकर अनाज बांटे और जाकर गरीब जनता का। आपका कहना ठीक है पर अभी बात करूंगा, अगर विकास नहीं किया है, विकास नहीं किया है तो फिर क्यों जीते 11 पार्षद? आप क्या कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पानी गिरता है और एक माँ अपने आंचल से लगाकर उस बच्चे को भीगने से बचाती है, तो क्या 30 सालों से हम पन्नी ही बांट रहे हैं? आज इतना कैपेबल उस परिवार के एक युवा को रोजगार देकर के हम इतना सक्षम नहीं बना सकते थे कि वो अपने परमानेंट छप्पर की व्यवस्था कर सके? और यदि रोजगार देने की बात तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि कैंट विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहाँ पे खमरिया फैक्ट्री, OFK, GCF, GIF, COD, 506 आर्मी वर्कशॉप, 4 यूनिवर्सिटी और 15 कॉलेज हैं। जितनी रोजगार देने की क्षमता इस विधानसभा में है, यहाँ पे रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म किए गए। जब से मोदी सरकार आई इनका प्राइवेटीकरण किया गया, यहाँ से लाखों लोगों का रोजगार छीन दिया गया। और उससे भी बड़ी शर्म की बात ये रही कि माननीय विधायक महोदय और माननीय यहाँ के जबलपुर के जो सांसद महोदय, उनके द्वारा सदन में कभी भी इसके खिलाफ कोई बात नहीं उठाई गई। विकास की बात करें, विकास की बात करें तो क्या आप करेंगे? कांग्रेस वाले अगर चुनाव जीतते तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो विकास की बात कर रहे हैं, कैंट विधायक जो हैं, आज तक जो विकास हुआ है वो सिर्फ रोहाणी परिवार का विकास हुआ है। और दूसरी तरफ जो नगर निगम अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप उनके वार्ड में जाके देखो कि कहाँ का विकास हुआ है। आज इतने वार्ड सोगन को पार्षद रहे वहाँ पर, आज भी जाओ तो वहाँ पर हमें लगता है कि वो गाँव है। आज भी कटिया घाट दुर्गा नगर चले जाओ तो आज भी वहाँ पर गाँव है। आवास योजना के जो मकान बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों को 25,000 रुपये में दिए जा रहे हैं कि आवास योजना के मकान है। अब कैंट में कहाँ से विकास होगा? कैंट में प्रधानमंत्री आवास के मकान बने, ये इनका कहना है। क्या कहेंगे? ये तो पहले तो इनसे सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि विकास, आज जितने भी मकान बने हैं उसमें बस्ती यानी बसाई कितनी गई है? एक भी आदमी वहाँ जाने को तैयार नहीं है। और इतना बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे, ना तो कोई रास्ता है, ना कोई रोड है, ना कोई पुल बनाया गया हुआ है, ना किसी प्रकार की नहीं है। आज इनके यहाँ जब से योजना आई है तब से मकान के नए काम सेंक्शन करने ही बंद कर दिए। जब से 1,000 रुपए की रेवड़ी पकड़ाई गई है जो 2,50,000 रुपए के हैं, विकास को लेकर क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में एक भी रोड नहीं रहती थी, रोड गड्ढों में रोड ढूंढनी पड़ती थी। आज आप देखिए कटनी की रोड, रायपुर की रोड जाने वाली, बीच शहर में ओवरब्रिज और चारों तरफ मकड़जाल। और मैं इनको चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के मेरे साथियों को चैलेंज करता हूं कि किसी भी वार्ड में जाइए आप और कितनी भी बड़ी रोड लाइए, उसको एक साल के अंदर अशोक भैया से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। किसी भी वार्ड के आप कितनी बड़ी भी रोड लाइए, रोड बनाने की बात होती है, रोड बनाने की बात कर रहे हैं क्या भैया? सबसे बड़ी, अरे रोको, अरे रोको, अरे पवन, सबसे बड़ी, अरे रोको, अरे रोको तो बात सुनो आज, अरे रुको तो आज आज भैया, अरे रोको तो रुको, अरे विधानसभा के विधायक कैपेबल होते तो अभी मंत्रिमंडल का विकास हुआ था, एक्सपेंशन हुआ अपनी था। अलग बात, वो अलग बात है, वो अलग भैया मंत्रिमंडल में स्थान। अरे 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 रुको रुको, जबलपुर के लिए आज शर्मनाक। अरे देखा, अरे सुन, अरे आज आज अरे यार, आप अपनी बात करें, आपका आज
आज का कांग्रेसी भी चाह रहे हैं कि अशोक भैया मंत्री जी बन जाए, कैसे कि कुछ ना कुछ तो कार्य करते होंगे। कई युवा भी हमारे साथ युवा है, इनसे बात। भैया मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन मैं 30 साल का जरूर हूँ और मैंने 30 साल में जो विकास देखे हैं युवाओं के लिए, चाहे वो खेल के लिए हो, हर क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। और जे भाई जो जितने भी कांग्रेसी हैं, जिन रोडों से आए हैं, वो माननीय अशोक भैया और दादाजी की बनाई हुई रोड से आए। लोगों का कहना है कि कई विकास योजना के कार्य हुए हैं, आप थोड़ा दूर होइए, आपको बात करना है। आज जो बात कह रहे हैं, विकास की बात कर रहा है, जिस जगह आप खड़े हैं, जिस जगह आपका डिबेट हो रहा है, ये कैंट बोर्ड का क्षेत्र है और यहाँ आठ वार्ड आते हैं। मैं एक भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, जब महानगर का जबलपुर में दर्जा मिल रहा था, जब अमृत जल योजना का पैसा आना था, तो कैंट की जनता को उसमें शामिल किया गया, और जब महानगर का जबलपुर को दर्जा मिला, और जब एक भी वार्ड, एक वार्ड नंबर से आठ नंबर वार्ड तक एक भी आवास योजना का लाभ एक भी कैंटोनमेंट के लोगों को नहीं मिला। घर घर शौचालय की बनाए जा रहे थे पूरे देश प्रदेश में, कैंट वार्ड को एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। कुछ ये जो बातें अपन महिलाएं थे, नहीं आपका उपाध्यक्ष था कैंट बोर्ड में, उसने क्यों नहीं रखा, है ना? कैंट में उपाध्यक्ष था कांग्रेस का, उसने क्यों नहीं किया, कैंटोनमेंट का था कैंट बोर्ड, कैंट बोर्ड में मत विधायक जी कितनी बार बोर्ड मीटिंग में आए, जबकि विधायक जी कैंट बोर्ड के मेंबर के साथ साथ सदस्य भी है और सांसद भी सदस्य, आज भी एक भी बोर्ड मीटिंग 10 साल में कभी, क्या इसका विरोध करने की आपको जरूरत नहीं लगी? हमेशा जरूरत पड़ी, कभी नहीं आए विधायक जी, विरोध में कमी हो गई, युवा है, चार चार साल तक रोजगार आते नहीं है, और जब वैकेंसियां आती हैं और उनकी भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। योजना के लिए हुआ है, महिलाएं आपका क्या कहेंगे, महिलाएं क्षेत्र के बारे में? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हर महिला को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, और एक एक हजार रुपए जो हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं, उनमें इन भाइयों की माताएं बहनें भी आई थी, अगर इनको बुरा लगता था तो ये नहीं लेती पैसे। और दूसरी बात इन्होंने बात की है कि अगर पन्नी बांटना था तो सीट बांटते, प्रधानमंत्री जी ने घर घर में ढाई ढाई लाख रुपए के आवास दिए हैं। और रही बात कैंट क्षेत्र में शिक्षा की, तो किताब कॉपी बस्ता तभी काम आएगा जब युवा और हमारी बच्चियां महिलाएं शिक्षित होंगी, उस शिक्षा को कहीं व्यवधान ना हो, इसलिए उन्होंने शिक्षा के स्तर पे भैया ने किताब कॉपी बस्ते बांटे स्कूल में। रांझी ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन पहलवानों को देखो, महीनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये कैंट विधानसभा की बात है, मैं कैंट विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आज 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, आज तक विधानसभा हमारे विधायक जी ने किया क्या, सारे लोग आज 4 बजता था, एक मिनट, जब 4 बजता था तो रोडों में जाम लग जाता था, इतने लोग फैक्ट्री से छूटते थे। देखते हैं आज पता ही, ये जो चल रहा है 30 सालों के बाद, अब क्या कांग्रेस इस पर विजय हासिल करती है? धीरज शाह, MP तक जबलपुर।